डेवलपमेंट पे उतना फोकस नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान में इंडस्ट्री और एजुकेशन की उस तरह से पार्टनरशिप नहीं है. इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लगभग 2% खर्च करती है. तो ये है पूरा टोटल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक खाका. लेकिन हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है जिसमें आपका आयुर्वेदा भी है, यूनानी भी है, सिद्धा भी है, योगा भी है, तो ये सब जो है इन सब का मिला के जो टोटल इंडस्ट्री है इंडिया की उसका लगभग 10% टर्नओवर इसमें आता है. तो अगर 10% का अगर 2% ये लोग खर्च करते हैं तो वो बहुत बड़ी रकम नहीं है. तो मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा मसला जो हमारे R&D में है वो है फंडिंग का. अब फंडिंग जो है इंडस्ट्री की तरफ से कम होती है, सरकार की भी अपनी मुश्किलात हैं, लेकिन जो कुछ ज्यादा काम हो रहा है वो हमारी समझ से सरकार की फंडिंग के जरिए से हो रहा है. इसमें एक बहुत बड़ी पेशरफ उस वक्त हुई जब आयुष का एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई. इसके अलावा ये सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन ये पिछले कुछ दहाइयों में जो डेवलपमेंट्स हैं उनका बता रहा हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा कदम था. क्योंकि फोकस जब इस तरह की एक डेडिकेटेड एजेंसी होती है तब उसका फोकस आता है. तो वो फोकस लाने के लिए आयुष का डिपार्टमेंट कयाम में आना, CCRUM का कयाम में आना, ये अच्छे डेवलपमेंट्स हैं. इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने हमें बताया है कि एक बहुत अच्छा कदम उनका रहा है कि एक डिजिटल नॉलेज लाइब्रेरी के नाम से एक प्रोजेक्ट उनका है जिसमें जितनी भी मेनुस्क्रिप्ट्स हैं, जितने भी नॉलेज मतलब ट्रेडिशनल मेडिसिन की नॉलेज से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब उनको एक डिजिटल लाइब्रेरी में यज्ञा कर रहे हैं. तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो सहूलत है, जो आसानी हमको फराहम हुई है, उसका एक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है. इसमें थोड़ा सा मैं अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बताना चाहता था. ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है इसका लगभग 3800 करोड़ का बजट है जिसमें से लगभग 60% पैसा एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों में खर्च होता है. उसमें ज़्यादातर पैसा एक्चुअली स्कॉलरशिप्स के लिए जाता है, लेकिन कुल मिलाकर लगभग 20 स्कीम्स मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट करती है. उसमें स्कॉलरशिप की स्कीम्स हैं, कुछ एक मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मदद देते हैं. इन 20 स्कीम्स में एक छोटी स्कीम है, उसका नाम है हमारी धरोहर. और वो हमारी धरोहर एक्चुअली वो इसीलिए है कि हमारा जो असासा है, जो हमारी विरासत है, उसको हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो उससे जो मुतालिक जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको फाइनेंस करती है. यहाँ पे दायरातुल मारिफ अल उस्मानिया का जिक्र किया गया, इसके बारे में भी ये जो हमारी स्कीम है हमारी धरोहर, इसमें इस स्कीम के अंडर में भी एक प्रोजेक्ट इसमें फाइनेंस किया गया है. क्योंकि जो मख्तूतात वहाँ पे इस इंस्टीट्यूशन में हैं उनके ट्रांसलेशन और फिर उनका डिजिटलाइजेशन, ये दोनों काम के लिए एक स्कीम चल रही है. तो अगर इस तरह के और प्रोजेक्ट्स हैं तो आई एम श्योर कि मिनिस्ट्री की जो स्कीम है उसका फायदा उठाया जा सकता है. तो जैसा मैंने अर्ज किया, एक तो फंडिंग का मसला है, दूसरा मसला है क्वालिटी का. क्योंकि हमारे जैसे हालात हैं कंट्री के, जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है उसमें क्वालिटी का एक बहुत